आज अपने पास है हीरो एक्सपल्स स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट और साथ में है रेली एडिशन जो कंपनी ने नाम दिया है एक्सपल्स प्रो। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे एक्सपल्स प्रो और स्टैंडर्ड में क्या क्या डिफरेंस है, तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। आज फ्रंट से शुरू करते हैं। ये है एक्सपल्स प्रो का हैंडल, तो इसमें देख सकते हो राइजर कंपनी से फिटेड ऊंचा करके आया है। और बात करूँ स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट की, तो इस पर ऐसा कुछ नहीं, कंपनी ने नहीं किया, नॉर्मल किया है। और दूसरा डिफरेंस मैं पीछे से चेक कर रहा हूँ आपको, तो दूर से देख सकते हो दोनों बाइक साइड स्टैंड पे खड़ा हुआ है। और देख सकते हो ये वाला जो रेली एडिशन वो कितना हाइट पे है, और अपना स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट वो इसमें से बहुत ही हाइट कम है। तो तीसरा डिफरेंस नीचे का जो ग्राउंड क्लियरेंस है अपना स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट का है 230 mm, और जो प्रो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 270। और बात करो टायर प्रोफाइल की, टायर 90-90-21 और अपना भी 90-90-21। पीछे का भी टायर जो है वो सेम ही है, डिफरेंस कुछ नहीं है इस पर। और बात करो गियर शिफ्टर की, गियर शिफ्टर प्रो वाले वेरिएंट में थोड़ा ब्रॉड है, और अपना वाला बाइक में देख सकते हो शॉर्ट ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। और स्टैंडर्ड वेरिएंट में जो है इसका ब्लॉक का जो हेड है वो ब्लैक कलर है, मैट ब्लैक जो भी बोलो, और प्रो वाला में रेड कलर दिया है, रेड का रेड कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे हीरो का लोगो कितना बड़ा करके दिया है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपल्स वाला 200 वो स्टिकर लगाया है। और साइड कवर में यहाँ पे लिखा है एक्सपल्स प्रो, और यहाँ पे हीरो का स्टिकर। और हेडलाइट प्रोफाइल की बात करूँ, हेडलाइट सेम ही है, तो अपना तो इस पर मॉडिफिकेशन किया है, इंडिकेटर बोलो इंडिकेटर सेम ही है। और जो कवर है वो प्लास्टिक का दिया गया है, अपना का भी प्लास्टिक है। और सामने से भी देख सकते हो दोनों का हाइट, अपना सा कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है। और मेन स्टैंड की बात करूँ, ये स्टैंडर्ड पे भी जो मेन स्टैंड है वो कंपनी से प्रोवाइड नहीं करता है, तो प्रो वेरिएंट पे भी ऐसा ही कुछ इशू है। तो सीट हाइट देख सकते हो, सीट हाइट अपना कमर जैसा है, और स्टैंडर्ड में हाइट बहुत ही कम है। गाइस मुझे जितना तक पता था इतना ही डिटेल्स आपके साथ शेयर किया हूँ। और इंजन तो दोनों 200 cc है, और कूलिंग सेम ही है। तो वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं, आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को थोड़ा कुछ हेल्प हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।